हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सारे लोग। जितने भी बच्चे क्लास 12th में हैं और 2025 में बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, और अंग्रेजी और हिंदी तो ये कॉमन है, अब तक आपने जो अंग्रेजी के कुछ वीडियोस देखा था जहाँ से सीधे तौर पर नंबर आते हैं, लेकिन हिंदी के भी कुछ ऐसे सेक्शन हैं जहाँ से आपको सीधा, कहते हैं ना, कम प्रयास, बहुत कम एफर्ट लगा करके नंबर लाए जा सकते। ठीक है, अगर हम बात करें प्यारे बच्चों हिंदी जो क्लास 12 दिंगत है, तो उसमें से जो पद खंड और गद खंड है, कितने पद खंड और कौन कौन खंड है, तो प्यारे बच्चों उसमें से पद खंड है और हमारे पास गद खंड है। तो टोटल चैप्टर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, टोटल चैप्टर हमारे पास कितने हो गए, 26 हो गए। टोटल चैप्टर अगर हम बात करते हैं, 13 चैप्टर हमारे पास पद के हैं, ठीक है, और प्यारे बच्चों 13 चैप्टर हमारे पास गद के हैं। ठीक है, तो अगर आप इस 26 चैप्टर, कौन से कहानी को कौन से लेखक ने लिखा और कौन से कविता को किस कवि ने लिखा, अगर आप इसको याद कर लेते हो, तो बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम में आप 5 नंबर ऑब्जेक्टिव, कहते हैं ना, 5 से 6 नंबर की ऑब्जेक्टिव यहां से पक्के कर लेते हो। और प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव एक ऐसा खंड है, एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा सेक्शन है ना, जहां हमें बड़े आसानी से नंबर लाना होता है ना। हम और आप मिल करके यहाँ पे इस क्लास में आपको और बहुत सारी चीजें दिया जाता है, ठीक है। तो अगर प्यारे बच्चों आप क्लास 11th या क्लास 12th में हो, ठीक है, तो आपको प्यारे बच्चों इस चैनल पे इंग्लिश और हिंदी का कंप्लीट लाइव क्लासेस मिलती है। आप प्लेलिस्ट एक बार चेक करो, सब कुछ का अलग अलग प्लेलिस्ट है। आपको यहाँ पे फ्री PDF नोट्स दिया जाता है, ठीक है, ऐसा नोट्स रहता है कि जिसे आप प्रिंट करा सकते हो प्यारे बच्चों, प्रिंटेबल नोट्स, ठीक है, याद रखना, प्रिंटेबल नोट्स, चैप्टर वाइज फुल नोट्स रहता है, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज रहेगा, जिसमें हर कुछ रहेगा, 4 से 5 पेज का एक चैप्टर आएगा, ठीक है। आप उस नोट्स, बिहार के सबसे टॉप बेस्ट नोट होता है, और इस बार हमारे जो है बहुत कह सकते हैं 300+ बच्चों ने, 300+ बच्चों ने 85% मार्क्स अंग्रेजी में लाया है। इंग्लिश में प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 90+ की, तो 150+ बच्चों ने 90+ क्रॉस किया है, ठीक है, और जो सबसे टॉपर है तो वो है 97 इंग्लिश में, जो हर्ष राज है, इसका कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ होगा, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है, ठीक है, ये पटना डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, हर्ष राज पटना डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, टोटल इसको 470 नंबर है, और अंग्रेजी इन्होंने मेरे से ही पढ़ा था और मेरे पूरे नोट्स को उन्होंने फॉलो किया था। तो 2025 में आपके पास बहुत सारे मौके हैं, बहुत बेहतरीन वे में क्लास चल रही है, आपने देखा होगा बहुत सारे लाइव क्लासेस हैं, क्लास नोट्स है, टाइमली सब कुछ होता है, ठीक है। तो आप जरूर इस वीडियोस को शेयर कर अपने सभी दोस्तों, सभी भाई, ठीक है, आ जाओ प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। तो हमारा गद खंड ना, गद के जो लेखक है, ठीक है, कौन से लेखक को किस, कौन से कवि कहानी को किस लेखक ने लिखा है, अगर बस आप इतना याद कर लेते हो, तो 3 से 4 नंबर तो कहानी से और 3 नंबर लगभग कविता से, तो 5 से 6 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में पक्के हो जाते हैं। प्यारे बच्चों देखो, बातचीत जिसको मैंने पढ़ाया भी है और इसका मैंने आपको नोट्स भी दिया, याद है ना, बातचीत का फुल नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल चुका है। तो बातचीत को किसने लिखा है, तो गुरु जी बातचीत के जो लेखक है वो है बालकृष्ण भट्ट। पता है बालकृष्ण भट्ट किस जिले, किस प्रदेश से है, किस राज्य से है, तो गुरु जी ये जो है उत्तर प्रदेश से है, क्या है, उत्तर प्रदेश से है। आगे की हम लोग लेखक परिचय का अलग वीडियो भी आपको मिलेगा, एक तो साथ में पढ़ाए हैं, ठीक है, बट आया तो मैंने सोचा चलो बता दूं अपने बच्चों की, इस पे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है, इस तरह के आपको याद बस इतना रखना है कि बातचीत को किसने लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, आया ना, किसने लिखा है, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। अगला है उसने कहा था, को इसे लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उसने कहा था को किसने लिखा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, याद है ना, जयप्रकाश नारायण कहाँ, भैया अपने बिहार के, जयप्रकाश नारायण कहाँ के, तो अपने बिहार के थे जयप्रकाश नारायण। इसने उसने कहा अर्ध नारीश्वर किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने। अर्ध नारीश्वर किसने लिखा है, तो गुरु से रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, और रोज तो सच्चिदानंद हीराचंद वात्स्यायन अज्ञेय ने लिखा है। रोज को किसने लिखा है, तो सच्चिदानंद हीराचंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने लिखा है। प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, मुझे आप सभी बच्चों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्यारे बच्चों मैं आपके लिए डेली लगभग 3 लाइव क्लासेस लेता हूँ,
इसी इंग्लिश आईक्यू यूट्यूब चैनल पे। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है, पढ़िए और टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, जो आपको नोट्स है, जो आपको नीचे व्हाट्सअप दिया गया था, ठीक है, उस व्हाट्सअप से जरूर जुड़ेंगे जो मैंने अभी बताया था, और आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम पे नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स रहेगा, तो एक बार जरूर शेयर करना, मुझे आप सभी बच्चों की बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। आ जाओ, कहते हैं एक लेख और एक पत्र भगत सिंह ने लिखा है, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। ओ सदा नीरा को किसने लिखा है, तो जगदीश चंद्र माथुर ने, सिपाही की मां मोहन राकेश ने, प्रगीत और समाज नामवर सिंह ने, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज ने लिखा है। और प्यारे बच्चों अगर हम बात करें, यहाँ पे एक नीचे आ गया है, थोड़ा सा नीचे कट गया, कोई नहीं, मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, चलो ठीक है। तो आगे हमारे पास शिक्षा, तो प्यारे बच्चों शिक्षा को किसने लिखा है, तो जे कृष्ण मूर्ति ने लिखा। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे गद्य खंड से कितने चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं। प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, गद्य खंड का जो बातचीत है मैंने इसको पढ़ा दिया है, और इसका फुल जिसे आप प्रिंटेड प्रिंट नोट्स करा सकते हो वो मेरे टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं। जिस बच्चों को चाहिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा और मैं बता दूंगा वहां पे कहां से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। आ जाओ अब प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं गद्य खंड, क्योंकि जब दोनों मिलके ना 13 पद खंड के और 13 गद्य खंड के, तो टोटल जब आप 26 चैप्टर याद कर लेते हो कि कौन से कहानी को कौन से लेखक ने लिखा है, कौन से कविता को कौन से कवि ने लिखा है, तब जाकर के आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में 5 से 6 अंक ऑब्जेक्टिव के पक्के हो जाते हैं। प्यारे बच्चों मैं साथ साथ क्लास तो लेता हूं, साथ साथ कहां कहां से नंबर आते हैं, कहां से हमें नंबर सिक्योर करने हैं, कौन खंड से, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, वो सारे गाइडेंस मिलेंगे। और 2024 में 150 से अधिक बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया है, और पटना डिस्ट्रिक्ट टॉपर हर्षराज 97 मार्क्स उसने मेरे से पढ़ा है, कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है सब। इतना बच्चों ने मार्कशीट भेजा ना प्यारे बच्चों, मैं देख नहीं पाया, मैं रिजल्ट अपलोड नहीं कर पाया, इतने बच्चे भेज रहे हैं, है ना। तो आप सभी बच्चे एक सही जगह हो, तो मुझे लेकिन आप सभी बच्चों का सपोर्ट चाहिए, यस और नो, तो शेयर जरूर करना। आ जाओ करबक, जो चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है, इसका भी नोट्स 1 से 2 दिन में मिलेगा। करबक को किसने लिखा है, तो मलिक मोहम्मद जायसी, याद है करबक को किसने लिखा है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। नेक्स्ट है पद, तो प्यारे बच्चों पद को किसने लिखा है, तो सूरदास ने लिखा है। फिर दूसरा भी पद है, इस पद को लिखा है तुलसीदास ने। इस पद को किसने लिखा है, तो तुलसीदास ने लिखा है। छप्पई को लिखा है नाभादास ने। कवित्य क्या है, कवित को लिखा है प्यारे बच्चों भूषण ने। कवित्य कविता है। कहते हैं तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद ने। पुत्र वियोग किस क्या है, तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान ने। उषा ये कविता है और इसे लिखा है शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध। जन जन का चेहरा एक, सर जी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बहुत टेंशन होती है ना। चलो प्यारे बच्चों ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। अधिनायक क्या है, अधिनायक तो रघुवीर सहाय ने। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत तो अशोक वाजपेयी है, और गांव का घर तो ज्ञानेंद्र पति है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से 26वां आसान है, कोई ट्रिक ट्रैक की जरूरत नहीं है, आसानी से याद कर लेंगे। डेली चैप्टर पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, सामने में रूम में ऐसे लगाकर एक पेज में लिख के रख देना है, तो 5 नंबर तो बोर्ड परीक्षा में पक्के हैं। कहा जाता है ना कि हम लोग जब सामने में कुछ देखते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में छप जाती है, तो ये करना है, ठीक है, एक पेज में लिख करके चिपका देना है। तो अभी से बार बार देखोगे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कौन चैप्टर कहां से। चलो एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए है कि आप लोगों को बताना है कि बातचीत को किसने लिखा है, इसके लेखक के नाम को आप लोगों को कमेंट करना है। प्यारे बच्चों क्या करना है, लेखक का नाम को आप सभी बच्चों को कमेंट करना है। हर एक बच्चों का मैं कमेंट पढ़ूंगा, और वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर बहुत जरूरी है, मुझे आप सभी बच्चों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो धन्यवाद बच्चों, कुछ और वीडियोज के साथ जहां से अंक सीधे तौर पर आते हैं वो वीडियोस मैं लेके आऊंगा, और अगली वीडियो अंग्रेजी या हिंदी का कौन सा टॉपिक है पे चाहिए छोटा वीडियो, आप कमेंट करके मुझे बताओ। मैक्सिमम कमेंट जिस वीडियोस पे आएगा कि हाँ सर ये बनना चाहिए, तो मैं जरूर उस वीडियोस को बनाऊंगा, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट करना कमेंट बॉक्स में कि अगला क्या चीज का वीडियो चाहिए, आप किसमें ज्यादा दिक्कत होती है। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, जय हिंद।